नमस्कार दोस्तों, आप कैसे, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ एक डैम, और ये है मझोला, करीब में पीलीभीत ज़िला में पड़ती है मझोला में, वो मैं आपको दिखाऊंगा डैम। और ये है इसकी डैम, और ये है इसका बड़ापन। आगे मैं नीचे को दिखाऊंगा आपको चल के इसका पानी कहाँ पर जा रहा है। ये है इसकी सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों से गुजरते हुए ऐसे निकलना पड़ता है भाई। और ये सीढ़ियाँ आज से नहीं, काफ़ी समय 1925 की बनी हुई ये डैम है, और ये करीब आज़ादी, अंग्रेज़ों ने ये इसमें हकूक़ अपनी जमाई थी, तो ये अंग्रेज़ों ने ये डैम बनाई तो थी। और ये जो नदी जा रही है बहुत दूर तक है इसका, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान विचार पर। और कुछ लोग यहाँ पर दर्शक लोग आते हैं इसे देखने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे इसकी जो पहलकारी है, पहलकारी के द्वारा यहाँ जाना पड़ता है, और ये पहलकारी है। इसका नज़ारा आप देखिए, कहाँ से कहाँ तक का इसका ग्राउंड है ये देखिए। और ये पहलकारी है, नीचे मैं आपको दिखाऊँगा इसका। ये बने रहिए हमारे चैनल पर ज्ञान विचार पर। और मैं आपको ये पानी की जो दृश्य है ये देखिए, ये जो दृश्य पानी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका लगभग लगभग अभी तो पानी कम है, और जब पानी आता है तो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक इसका। और ये जो बाउंड्री की है ना, ये तार जो लगे हुए हैं, इसीलिए तार लगा दिए गए हैं कि जिससे कि कोई भी अगर देखने के लिए आ रहा है, इसका लुफ्त लेने के लिए, लुफ्त उठाने के लिए आ रहा है, तो इसके बाहर ना जा सके ना, इसके बाहर ना जाए, जिससे कि ये पानी का जब भाव होता है तो इसीलिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई सुरक्षा तो देनी पड़ती है ना। तो ये देखिए जो ग्राउंड ये दिख रहा है ना, ये पत्थर से ये दिख रही पीली, ये पीले से ये दिख रहा है ना आपके लिए, हाँ ये तो ये जब पानी इसमें ज़्यादा आता है तो इसमें दिखाई नहीं देता, ये कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसीलिए अभी इसमें कितने दरबे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कितने इसमें दरबे हैं। और इसमें जो दरबे दिखाए इसमें हैं 11 दरबे हैं, और 11 दरबों में पानी इतना भी है नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डैम खुला हुआ है, जिससे कि जो पानी आ रहा है बाहर से वो इकट्ठा ना हो सके, तो इसलिए पानी बाहर से जा रहा है, बहा दिया जा रहा है। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं दर्शक, क्योंकि इसका ये ताता लगा रहता है देखने के लिए, और काफ़ी भी लोग आते हैं। और ये 1925 की ये डैम बनी हुई है, अंग्रेज़ों के समय की। और मैं आगे चलकर आपको एक और दिखाऊंगा चलकर, अगर शायद क्योंकि मैं चलूंगा आपको उस लास्ट में दिखाऊंगा चलकर क्या है उसके पार। एक डैम और भी है, ये कम से कम, और जो एक रास्ते ऊपर कुछ दिखा रहा हूँ, ऊपर का भी एक रास्ते में है, आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। एक आगे और भी रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगा, और ये रास्ते है इधर से गुजर रहा है ट्रैक्टर, और एक रास्ता है इधर से, और इस पर लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें ये पहले से ही बनी हुई है, और कम से कम इसका डिवाइस बना हुआ है, आप देख सकते हैं ये जो लिखा है 1925 का है मझोला, 1925 से ये इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इस पर एक चेतावनी भी लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं इसकी चेतावनी क्या है। और ये जो ऊपर का दिखा रहा है हिस्सा, इस हिस्से में पहले लोग इसमें जाया करते थे, लेकिन इसका ये मेन गेट है इसका ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोग जाना सही नहीं माना गया, ये गेट है ये अब बंद कर दिया गया है, इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग ऊपर जाते हैं तो गंदगी करते भी हैं, और उसे कुछ अपद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, और इसमें डर भी है ना, किसी को नुकसान ना हो, है ना, किसी की जान की खतरा परवाह ना हो। और ये है इसके बिलर, ये बिलर है इसके डैम के, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि वो पहले वाले इसमें है, जैसे ये फाटका होती है, चैन सिस्टम होता है इसमें, और जिससे कि ये जो फाटक होती है इसका पानी कितने हमें किधर मोड़ना पड़ता है, इसका ये इधर खाली पड़ी है ना। तो
तो इसमें इसीलिए दिखाया गया है, और ये अंग्रेज़ों की ज़माने की ये है डैम। तो इसमें कुछ एक चौकीदार भी रहते हैं, क्योंकि उसमें भी रखा गया था और इसमें भी चौकीदार रखे गए, तो उसके लिए ये कोठी भी बना दी जाती है, कहते हैं घर। तो ये कुछ बैठे हैं भाई साहब, ये इसके ये एक बंद है, ये दरवाज़ा ये बंद है, और मैं यहाँ से आपका इसका एक दृश्य और दिखाना चाहना प्रयास करूँगा आपको। ये दृश्य है, और ये दृश्य देखिए, एक ये रूम बना है जिसको पहरा देने वाले के लिए, एक ये रूम बना है, और एक रूम वो उधर बना है, उधर आपको अगर दिखाई दे हो जस्ट करते सेम ऐसा ही है। तो इस पे जो ऊपर वाले जो लाइन है ना, इसमें लोग गुजरते हैं, टहलने के लिए जाते थे, तो लोगों ने कुछ लोगों ने अपने आप को सुसाइड भी कर लिया था, तो इसलिए जो जो गेट है वो बंद कर दिया गया। अब ये दरवा है, ये फाटक लगा दी गई है, इसका जो निचोड़ पानी आ रहा है वो पानी इसके नीचे से जा रहा है, जिससे कि ये इकट्ठा ना हो सके, जो तनाव ना आए ऊपर। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान विचार पर, और आगे चलकर हम आपको कुछ और दिखाएंगे, वो आपको और एक ये है इधर से इसका रास्ता जो गुजरा है पानी का, जब ज़्यादा बहाव हो जाता है तो इस वाली नदी में भी इसका पानी इसे छोड़ दिया जाता है इधर, हाँ इधर एक पानी छोड़ दिया जाता है। और मैं अभी आपको नीचे चल के दिखाऊँगा, अभी आपको एक नीचे चल के दिखा रहा हूँ, बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान विचार पर। और अब दोस्तों आपसे उम्मीद यही है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार हमें दें, और हमें भी प्यार का अच्छा लगे, आपका प्यार हमें मिल रहा है। और ये देखिए, ये चल के मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका एक क्या कहते हैं ये कुंड है क्या है भाई, ये देखिए इसका भी एक पानी का रोकथाम है, कहीं जाता ही होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर अभी सूखा पड़ा है, पानी नहीं है, इसमें पत्थर हैं सूखे दिख रहे हैं, और इसमें बताया जाता है कि जानवरों को भी नहलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रतिबंध है इसमें। इसमें दरबे भी हैं, चार दरबे देखो कितने कितने हाई फाई हैं, और इसकी इसमें पानी नहीं है, तो इसीलिए फाटक ऊपर उठा दी गई है, क्योंकि है ही नहीं, अगर बरसात का होगा तो आ जाएगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, खुली है। तो ये ग्राउंड कभी खाली पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं हमारे ज्ञान विचार चैनल पर, और आपका स्वागत है। और आगे एपिसोड के बाद हम आपको दिखाएंगे एक नया दूसरा एपिसोड। बाय। दोस्तों ये नाव है, उस ज़माने की नाव पड़ी है, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, उस ज़माने की जो नाव पड़ी है जिसमें चलाया करते थे, वो आज इस नाव की ये कंडीशन है। ये देखिए ये क्या है, ये नाव है जिसे कहते हैं नवैया, और आपके यहाँ क्या कहते हैं इसे, अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, प्यार ज़रूर दिया करो, मुझे लाइक और सब्सक्राइब। और एक आपसे अनुरोध है कि जहाँ से भी आप कमेंट करते हैं अपना ज़िला या अपना स्थान ज़रूर लिख के भेजें, जिससे कि हमें भी पता लगे कि हमारे प्रिय दर्शक कहाँ कहाँ से हमें देखते हैं, है ना। तो ये नाव है, इसकी ये हालत पड़ी हुई है, तो ये इसी में डालते होंगे, चलाते होंगे कभी ना कभी, है ना। तो आगे चलकर हम आपको और कुछ दिखाएंगे, प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ आगे दिखाने का, ठीक है। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना भूल गया हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, लेकिन एक चीज़ तो है भाई, कलाकारी तो बहुत अजीब है इनकी, क्योंकि जो भी इन्होंने कार्य किया वो बड़ा मजबूती के साथ किया है, बड़ा माइंड लगाकर, इनकी जो साइंटिस्ट है ना, बड़ा भाई दाग देने की है, ये तो बात माननी पड़ेगी, ये दिमाग लगाकर अपना कार्य करते हैं, और अच्छे अच्छे तकनीकी के द्वारा कितना इसने सोचा विचार किया, और विचार करने के बावजूद में भी ये अपना दिमाग लगाया कि क्या करना है, क्योंकि जो लोग अपना जब राज करते हैं ना, तो
तो कुछ वहाँ पर रहने के लिए तो ही कहा थोड़ा, अब ऐसा तो है नहीं। इन्होंने एक दिन आए और अपना कार्य किया और निकल गए, क्योंकि इन्होंने अपना